是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语的说不清的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，墙角上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬，夏未央，林荫路单车响。原来所谓爱情是这模样。就承认一笑倾城一见怎难忘，说什么情深似海我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向，想和你游四方，赏晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。喂喂喂喂，ईशा नेहा, इस सर्वर का नंबर वन प्लेयर, ये यहाँ कैसे? अलेजन, एक महान योद्धा। ईशियो नेहा सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें ये शादी कैसी लगी? इसके जैसे लेजेंड भी गॉसिप करते हैं। शानदार थी। अगर तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा शानदार शादी देख सकती हो। मुझसे शादी करोगी? आपका अकाउंट हैक हुआ है क्या? तुमने साइट पर लेटेस्ट न्यूज पढ़ी होगी कपल मैचेस के बारे में। अच्छा, तो आप मैच खेलने के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो? हाँ। और मैं ही क्यों? तुम अकेली फीमेल प्लेयर हो जो टॉप 10 में हो। वैसे ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अगर मैंने इसके साथ जोड़ी बना ली तो मुझे सर्वर का नंबर वन प्लेयर बनने में बहुत मदद मिलेगी। पहली शादी मैंने मिशन के लिए की थी, अब दूसरी शादी पोजीशन के लिए। पर अगर मैं इस तरह से सोचूं कि अपने मिशन के लिए नहीं, पोजीशन के लिए भी नहीं, तो फिर किसी अजनबी से शादी क्यों करूंगी? पर इसका प्राइस मनी बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, स्टोन ऑफ थ्री लाइव्स पर चलते हैं। अभी नहीं, मुझे पहले कुछ तैयारी करनी है। 3 दिन बाद 8 बजे। किस चीज की तैयारी? शादी की तैयारी। शादी रजिस्टर करना काफी नहीं है? हम ये शादी सिर्फ मैच के लिए कर रहे हैं ना, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? ये ईशा नाहे की शादी है, जश्न तो बनता ही है। हर दिन एक जैसा होता है, लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। सुनो भाई लोग, गुड न्यूज है। फाइनली मेरी सिंगल लाइफ का एंड होगा। अरे कोई तो कुछ तो रिस्पांस दो यार। तुम दिन में सपने कब से देखने लगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें कौन सी लड़की घास डालेगी? इसीलिए तुम्हारी तरक्की नहीं हुई और अब तक तुम सिंगल हो। मैं सीरियस हूँ। ये लो। कुछ दिन पहले मैं एक लड़की से मिला था। वो कैंपस ब्यूटी क्वीन है, तुम्हें याद है कौन है वो?
कुछ कुछ याद तो है, शायद उसका नाम मेंघोरन है। नहीं, मेंघोरन एक कवि है, द इटर्नल रिग्रेट सॉन्ग का राइटर। उसका नाम मेंघजीरान है। आई एम सॉरी। उसका क्या, वो तुझमें इंटरेस्टेड है क्या? ऑफ कोर्स मेरे दोस्त, मैं इतना हैंडसम जो हूँ, वो मुझमें इंटरेस्टेड होगी, इसीलिए तो मुझे इतने दिनों से देख रही है। इसीलिए बस मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। एक्चुअली आज उसने मुझसे बात की, उसका लैपटॉप बिगड़ गया है और वही ठीक करने के लिए उसने मुझे बुलाया है। क्या हुआ है? मेरे ख्याल से रैम खराब हो गया है। बोरिंग, ये तो बहुत ही मामूली सा काम है। इसीलिए तो तुम दोनों अभी तक सिंगल हो। सुनो, मेरी बात सुनो। आज रात को हम लड़कियों की डोमेट्री में जाएंगे, लैपटॉप ठीक करेंगे, उसके बाद उनके साथ डिनर करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आइडिया अच्छा है, पर हो सकता है कि वो जिसे पसंद करती है वो हम ना हो। देखो भाई, हमें डिसेंट रहना चाहिए, समझे? ये जान लो कि हमारा टारगेट ब्यूटी क्वीन नहीं है, बल्कि हमें उसकी दोस्त पर फोकस करना है, और ब्यूटी क्वीन तो किसी और के लिए ही है। मैंने गेम में शादी तय कर ली है, उसे तुम लोगों से जल्दी मिलवाऊंगा। क्या कहा तूने, तू गेम में शादी करने वाला है? इसका मतलब कि वो मेरी पार्टनर है, तो मैं किसी और लड़की का लैपटॉप ठीक करने नहीं जा सकता, पर तुम लोग जा सकते हो। शोनाय मेरे भाई, क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ भाई, हम भी देखना चाहते हैं आखिर वो लड़की कौन है जिसने तुम्हारे दिल पर कब्जा कर लिया है। क्या वो तुम हो जिसने हमारे भाई का दिल चुरा लिया है? क्या बकवास लाइन है, मैं बात करता हूँ। अच्छा, तो वो तुम हो जिसे हमारे भाई ने चुना है। तुम लोग कौन हो? ये मेरे परमानेंट टीम मेंबर्स हैं, एक है हाउमी, हाउस है युगांग। हेलो, मिलकर खुशी हुई। वाह, ये सच में हमारे भाई की बीवी है। तुम्हारा सिंगल होने का रिकॉर्ड टूट गया, अगली बार से अंडरग्राउंड प्रिजन की फाइट में लोग हमें टीम सिंगल्स कहकर नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन भाभी का नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अब तुमने कहा तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से उसकी रैंकिंग टॉप लिस्ट प्लेयर्स में है ना? मुझे याद आया, लू वी वे वे ज़ेन शुई वी ज़ैंग की एक्स वाइफ है ना? भाभी, तुमने जेंशुई वीशांग से शादी की थी ना? हाँ, मैच के लिए। ये सच है, तुम्हारा देवर हमेशा गलत संगत में रहा है, उसकी बात का बुरा मत मानना। हाँ, मैं समझ गया। ये सच तो है ही ना, हम सभी का जिंदगी में गलत इंसान से पाला पड़ा है, सही कहा? भाभी, उसकी बातों को भूल जाओ, हमारा भाई बहुत अच्छा है। तुम भी ना। आह, कम ऑन, साथ में मिशन पूरा करते हैं।
भाभी आपके स्किल्स लाजवाब हैं, बहुत कम लोग हमसे मैच कर पाते हैं। अब बस करो। हाँ, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। तो तुम शादी कब करने वाले हो? हमें इनवाइट करना मत भूलना। परसों है। परसों? लेकिन परसों तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। उस दिन तुम्हें कोई काम है क्या? किसी और दिन कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं, परसों अच्छा दिन है, शादी उसी दिन होगी। भाई तुझे सलाम करना चाहिए, गेम में शादी करने के लिए तू शुभ दिन देख रहा है। हाँ यार, अरे वो उसका सर्किट बोर्ड नहीं समझ में आ रहा था, मुझे पता नहीं यार क्या वो डिस्प्ले की जो बात थी वो ऐसा क्या देख रही हो? कुछ अजीब है क्या जो इतनी वियर्ड स्माइल दे रही हो? मैंने कब स्माइल की? मैं तो बहुत सीरियस हूँ। ओह ठीक है, मैं खुद ही पता कर लूंगी। आज ना बास्केटबॉल मैच है, हम अपनी जगह पकड़ने कब चलेंगे? अरे हाँ, बास्केटबॉल मैच तो आज है, पर मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। क्या तुम शाओ नाई का बास्केटबॉल गेम मिस करोगी? तुम्हें वो पसंद नहीं तो फैन क्लब से बाहर निकालती हूँ। चलो ना, वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट से बहुत कम स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलते हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। चलो ठीक है, चलो, पर मैं वहाँ से जल्दी निकलूंगी। मैं अपना बैग लेती हूँ। मैं निकल गया हूँ, वहां मिलते हैं। और कैसा है तू? हे शाओलिन, वो रहा डैसोंग। मुझे लगा ही था। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, अपनी सीट्स पर बैठ जाओ वरना चली जाएंगी। अभी सिर्फ 3 बजे हैं, मैच 6 बजे है ना? पर आज शाओनाए भाई आने वाले हैं ना, हर कोई सीट पकड़ने जल्दी आया है। मैंने सुना है कि जीरान भी आई है, तुम्हें पता है? ओ, वो ब्यूटी क्वीन, वो आई है या नहीं उसे तुम्हें क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या है, मैंने तो बस सुना है, मुझे नहीं देखना उसे। हमें हमारी सीट दिखाओ। आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। अरे उसके लिए जगह छोड़ ना। अरे तो यही बैठेगी। अरे मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, देखना हो गया टाइम तो। डैजोंग, शाओनाए कब आ रहा है? ये मत कहना कि वो सीधा 6 बजे आएगा, वो वार्म अप के लिए आएगा ना? हाँ, इसलिए तो हम जल्दी आए हैं ताकि उसे वार्म अप करते हुए देख सके। शाओलिन, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या शाओनाए के लिए? ऑफ कोर्स मैं शाओनाए के लिए आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए क्यों आऊंगी? तुम शाओनाए को देखने आई हो ना? हाँ। तो तुम्हारा आना बेकार हुआ, शाओनाए आज नहीं आने वाला है। हाँ? और उस पोस्टर का क्या? ये हमारा आइडिया था, वरना यहाँ इतना क्राउड कैसे आता? तुमने झूठ बोल के मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? ये सब क्या है, तुमने ऐसा ट्रिक किया ताकि सारी लड़कियाँ आए ना? हमने पोस्टर में ऐसा कब कहा कि शाओनाए आने वाला है, ऐसा तुम लोगों ने सोचा? इसमें मेरी गलती नहीं है। पहले पता होता तो इतनी जल्दी नहीं आती। चलो हम सब वापस अपनी डोमिट्री चलते हैं, डिनर के बाद आ जाएंगे। हे शाओनाए, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर तुम चली गई तो ये सीट्स भी चली जाएंगी। काम डाउन, जब सबको पता चलेगा शाओनाए नहीं आने वाला है तो सब चले जाएंगे। कम ऑन, पीछे हटो। हेलो शाओनाए, शाओ चलो चलो। देखो वो आ गया। बहुत सारी टीम्स आ चुकी हैं, मैंने गेस्ट लिस्ट चेक की, हर बड़ी कंपनी आज आने वाली है। जान पहचान के फेंग टेंग टेक है, नेटेस्ट गेमिंग इन्वेस्टमेंट भी है, और हॉमियो कैपिटल भी आने वाली है। तो मेरे भाई तू नर्वस मत हो,
मजाक कर रहे हो क्या? गुड लक भाई, मुझे पता है तू कर लेगा। चलो चलते हैं। अरे अभी तक क्यों नहीं आए यार, कितना टाइम हो गया, मैच भी स्टार्ट होने वाला है। ओह माय गॉड, चलो चलते हैं, कितना टाइम लग गया यार। देखा, मैंने पहले ही कहा था यहाँ तो आधी सीटें खाली पड़ी हैं। मैंने मैंगीरेन को उसकी फ्रेंड के साथ देखा उस तरफ। क्या वो भी शाओनाई को पसंद करती है? ये कैसा सवाल है, वो पक्का उसे पसंद करती है, तभी तो यहाँ आई है। लकीली उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई है, वो उसे देखेगा तक नहीं। अगर वो उसे पसंद करने लगा तो मैं 3 दिन तक रोऊंगी। देखो गेम स्टार्ट हो गया, ध्यान उधर। कितने देखो कौन आ रहा है। बीच बीच में टोकना मत, चुपचाप देखना। विवे सीनियर, अगर हम जीत गए तो क्या मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे सकता हूँ? और अगर हार गए तो? ऐसा नहीं होगा। गुड लक। थैंक यू, मैं जरूर जीतूंगा। ये लड़का कितना प्यारा और भोला है। मुझे ऐसे लड़के बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। सोचो अगर विवे नहीं मानती, अगर ना कर देती तो, और अगर ये मैच नहीं जीतता तो हारने की वजह विवे को ब्लेम करता क्या? हाँ, विवे लड़कों को मना करने में एक्सपर्ट हो गई है, ये तो कमाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उसकी आदत हो गई है। थैंक यू वेरी मच। एक घंटे भर से कई कंपनियों की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद सब लोग काफी प्रभावित हुए होंगे। अब आखिरी प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं शी ये टेक्नोलॉजी से। देखते हैं वो हमें कैसे सरप्राइज करते हैं। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम शाओनाई है, मैं जी टेक्नोलॉजी से हूँ। मुझे खुशी है कि आज मैं अपनी टीम का बनाया हुआ मोबाइल गेम आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। L10 का सबसे बड़ा फीचर है कि ये एक मल्टीप्लेयर गेमिंग प्लेटफॉर्म है। L10 एक रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कई गेमिंग मेथड्स और 3D इकोसिस्टम है, जिससे यूजर को बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और ये मोबाइल फोन्स पर इजीली खेल सकते हैं। L10 के साथ प्लेयर्स अमेजिंग फाइट्स का मजा भी ले सकते हैं और साथ ही एंशिएंट लाइफ थीम भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लेयर्स गेम के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज टाइम भी वेस्ट हो गया और पढ़ाई भी नहीं हो पाई, मजा आ गया ना। चलो यार यहाँ से चलते हैं, सब कितना बोरिंग है। शाओनाई भी नहीं आया। चलो खड़े होकर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को चीयर करते हैं। Come on, Mr. Shao, आप एक स्टूडेंट हो ना? जी हाँ, चिंगवा यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। मतलब यंग टैलेंट हो। हमें आपकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्लान बहुत पसंद है। जब भी समय हो हमारी कंपनी में जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा, मुझे खुशी होगी। आपका गेम बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी ट्रेंडी भी है, लेकिन लगता है डायरेक्टर शाओ पॉपुलैरिटी से बचना चाहते हैं। मैं अपने गेम की पॉपुलैरिटी चाहता हूँ, ना कि मेरी। ओके, तो ठीक है, फिर अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट फिक्स रहा। मिस्टर जियाओ, मैं ज़ेनिटेक से हूँ और ये मेरा कार्ड है। आपकी प्रेजेंटेशन सुन के लगा सचमुच यंग टैलेंट वाकई कमाल है। अगर आपको टाइम हो तो क्या हम लोग थर्सडे को हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं? थर्सडे मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है, तो थर्सडे को मिलते हैं, हमें जाना होगा। बाय।
हाँ, काफी लोग हम में इंटरेस्टेड हैं। लगता है हमें अच्छे ऑफर्स मिलने वाले हैं। बाद में पता चलेगा, टाइम हो गया है, मेरा अपॉइंटमेंट है। ये लो, ये भी तैयार है। भाभी ऑनलाइन है। अच्छा, सॉरी मैं लेट हो गई। इट्स ओके, मैं भी बस अभी आया हूँ। इतने सारे लोग, दो बड़ी टीम के लू रेन जिया और जीशी यू भी। खुद ही पूछ लो। नाही ने हमारी एक बार मदद की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये शादी करेगा। हम ये खुशी का पल मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने सबको यहाँ इनवाइट किया। हमारी पूरी टीम उत्सव के लिए आई है। हम सब आपकी गाड़ी के पीछे अपने घोड़ों पर सवारी करेंगे। ये शादी बहुत ही यादगार होगी। बिल्कुल, हमारे सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा उत्सव होगा। हम नाही भाई के तोहफों का इंतजार करेंगे। इतने सारे लोग हैं, सबको क्या तोहफा देंगे? इसका तो दिवाला निकल जाएगा। ये शादी का तोहफा मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे काम आएगी। शादी का तोहफा कुछ खास नहीं है, इसे रख लो। एक्चुअली ये काफी है। समय हो गया है। ये शौनय है, आज यहाँ एक दूसरे से विवाह की शपथ लेकर इस सर्वर के 158,999 कपल बनते हैं। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश और कामयाब रहें। हो गई। विश्वास नहीं हो रहा है भाई ने शादी कर ली। मुझे लगता है उस जैसा इंसान जिंदगी भर अकेला ही रहेगा। मुझे भी ऐसा। हाँ, उसकी हो गई। इसका मतलब हम भी उम्मीद कर सकते हैं। चलो डांस करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम दोनों का हो गया तो गेम में चलें। हाँ, गेम में वापस चलते हैं। हाँ। काफी अच्छा, सच में। हाँ, सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये शौनय है, इस सर्वर का नंबर वन लेजेंड। आखिर इसने जनश्री विशांग के एक से शादी कैसे कर ली? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? लेजेंड की सोच के बारे में क्या कह सकते हैं? मेरे हिसाब से ये शौनय की जोड़ी शाओ याओ याओ के साथ अच्छी लगेगी। चलो, कुछ लोगों को तो समझ है। ये शौनय अंधा हो गया है क्या? वो इस बदसूरत लड़की से शादी कैसे कर सकता है? ऐसा मत कहो, मेरे पास जनश्री है। जानती हूँ, मुझे यशव नाये के लिए बुरा लग रहा है। अच्छा याओ याओ, अगर यशव नाये भी तुम्हें पसंद करता तो बताओ तुम किसे चुनती? यशव नाये काफी अमीर लगता है और ये उत्सव जेनशुई के उत्सव से काफी बड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जेनशुई को ही चुनती। यशव नाये वर्सेस जेनशुई विशांग,
ईशिया और नाये जीतते हैं। लुवी वे वे वर्सेस शाओयू याओयाओ, शाओयू याओयाओ जीत गई। किसने कहा शाओयू याओयाओ जीत गई? हमारी भाभी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। एक मैच हो जाए? हाँ, यकीन नहीं है तो मैच खेल के देख लो। मैं एक बार ईशाओ नाहे से मिल चुका हूँ, जब वो शाओयू याओयाओ के साथ था। क्या ये सच है? हाँ? मैंने भी देखा है, मैंने उन्हें मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखा था। हाँ, पिछले हफ्ते की ही तो बात है, लू वीवीवी को जेंशुई विंगशांग ने डंप किया, ईशाओ नाही को शाओयू याओयाओ ने डंप किया, उसके बाद दोनों ने अपना टूटा दिल लेकर एक साथ जोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ, लू वीवीवी और ईशाओ नाही बदला लेने के लिए कपल बने। तुम शाओयू याओयाओ को जानते हो? नहीं जानता। किसी ने तुम दोनों को साथ में मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखा था? मेरे ख्याल से युगोंग ने उसे टीम में ऐड किया था, पर उसे कुछ नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। चलो चलो, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हे, गेम में ब्राइडल रूम कब से है? बस अभी अभी आया है, पर ये बहुत ही बोरिंग है। तुम सिर्फ दो चीजें कर सकते हो, पहली खड़े होकर बातें करो, दूसरी बैठ कर बातें करो। सिर्फ बातें ही करने में क्या मतलब है? भाई सिसाओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, अरे यार, ये दोनों हमें देखने नहीं देंगे। हाँ, मुझे कॉल आंसर करना है। ओके। हम यहां क्या कर रहे हैं? नजारा देख रहे हैं। आज आसमान में पूरा चांद है, क्या ये हमारा हनीमून है? क्या सच में ये हमारा हनीमून है? तुम इस गेम को लेकर भी बहुत सीरियस हो ना? डिंग डोंग, वेडिंग मिशन पूरा हुआ। ओके, चलो चलते हैं। चलो, तुम बाइक लाए हो? नहीं नहीं, अरे तुम्हारे साथ चलो, कैंडिड मिशन ड्रॉप कर देना मुझे। मत रुक लेंगे, मेरी बाइक खराब हो गई। अरे ठीक है, पैसे नहीं दे दूंगा। चलो चलते हैं ना। चलो, कहीं हमारी फेवरेट डिश खत्म ना हो जाए। मैं तो भूल ही गई थी। चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। आ
आज हम रेड सीजनिंग मीट खाएंगे। ये तुम ऐसा क्या देख रही हो? कल के बास्केटबॉल मैच को लेकर बहुत गॉसिप चल रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। हाँ, ये क्या लिखा है? जब एक खूबसूरत लड़की को लग्जरी कार से उतरते देखा तो मेरी दुनिया हिल गई। ये किसने पोस्ट किया? बहुत ड्रामेटिक है पर मुझे अच्छा लगा। हे, पिक्चर भी है, जरा रुको। हाँ, यह सिग्नल कितना वीक है। चलो पहले लाइन में लगते हैं। अरे जरा रुको तो सही वीवी। क्या कर रही हो? फोटो में जो बैग है तुम्हारे पास भी ऐसा ही बैग है, देखो। हाँ ऐसा ही है, ये तो मेरा फोटो है। हाँ? आ, मुझे याद आया, उस दिन शाओयांग की मॉम ने मुझे घर छोड़ा था। जिसने भी ये पोस्ट किया है वो पागल है, जब कुछ पता ही नहीं है तो ऐसे रूमर्स क्यों फैला रहा है। अच्छा है तुम्हारा फेस ब्लर है, थोड़ी तमीज है उसमें। अब क्या करेंगे? पहले खाना खाते हैं, उसके बाद उसका अकाउंट आईडी ढूंढेंगे। चलो। ए, तुमने ये देखा? जब इस खूबसूरत लड़की को लग्जरी कार से उतरते देखा तो मेरी तो दुनिया ही हिल गई। एक बार पढ़ोगे तो जान जाओगे। अरे ये तो हमारे कैंपस का गेट है, उसकी फिगर कितनी अच्छी है यार। किंगवा कैंपस की इतनी खूबसूरत लड़की इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है? तुम में से कोई इसे जानता है? ऐसा लगता है जैसे अपने ही किसी ने हमारी जेब काट ली हो। प्लीज हेल्प, कुछ करो, ये हमारे कैंपस की है। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये उसकी फैमिली कार हो। सिर्फ एक फोटो से किसी के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, है ना? चलो चलो काम पे लग जाओ। हाँ, इसे तुम आ गई? ये उसकी फर्स्ट पोस्ट है, उसका आईपी एड्रेस। यूजर नेम है गुआंगमांग शीशे। तुम्हें पता है ये कौन है? गुआंगमांग शीशे, ये बहुत फेमस अकाउंट है। ये हमारे कैंपस के फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से है। बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा हैंडसम है और मंत्री का बेटा है। इसे बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आती है। कमाल की स्किल्स है, अगर शौना इसे कंपेयर करे तो नहीं, बस थोड़ा सा कम है। इसका नाम क्या है? काओ गुआंग। राइट, काओगुआंग। मैं इसे नहीं जानती, पर वो क्यों पोस्ट करेगा? इसकी पिछली पोस्ट को देखा जाए तो ये थोड़ा जेलस टाइप लगता है। उसने सोचा होगा कि तुम क्या बेहुदी है। मैं उसे अभी ढूंढती हूँ। कहाँ ढूंढोगी उसे तुम? डिपार्टमेंट में। ये क्या हो रहा है? हे, देख, खूबसूरत लड़की। वो लड़की कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है। सुनो, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, क्या तुम फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारी क्या हेल्प कर सकते हैं? मुझे चाओ गुआंग से मिलना है। चाओ गुआंग? वो रहा वहां। थैंक यू। वेलकम। लुवे वेवे, क्या हुआ? सुनो, मैं यहां तुम्हारी जान बचाने आई हूं। ये क्या है?
मैं इस बच्चे की प्राइवेट ट्यूटर हूँ। उसके बगल में उसकी मॉम है। उस दिन उन्होंने ही मुझे कैंपस तक लिफ्ट दी थी क्योंकि वो उनके रास्ते में था। चाओ गुआंग, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम किसी को महंगी कार से आते हुए देखते हो तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन बिना किसी प्रूफ के जब तुम इसे पोस्ट करते हो तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? पोस्ट डिलीट करो और मुझसे माफी मांगो। कौन जानता है कि ये फोटो ओरिजिनल है या फेक? तुम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हो, फोटो एडिट करना बड़ी बात नहीं है। देखो कितनी आसानी से तुमने मुझे ढूंढा। तुम्हें यकीन नहीं है? मैं बड़ी गाड़ी से बाहर निकलती हर एक लड़की पर शक नहीं करता, लेकिन तुम, इसका मतलब तुम बुक का कवर देखकर जज करने वालों में से हो। ये क्या है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो। मेरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश ट्यूटर की जरूरत है, तुम आजमा सकते हो। अरे वीवी, क्या हुआ? उसे लगता है कि वो फोटो एडिट की हुई है। क्या? उसने जो फोटो अपडेट की है वो भी तो एडिटेड हो सकती है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। हाँ जाओ, मैं यही हूँ। वीवी, तुम मुझ जैसे कमजोर लड़की को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे मार दिया तो? चिंता मत करो, उसके जैसा इंसान तुम्हें नहीं मार सकता। और मैं हूँ ना, मैं यही से तुम्हें चीयर अप करूंगी। कितनी बेरहम हो। तो अब इसके बारे में तुम क्या करोगी? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही? मैं टेंशन क्यों लूं? झूठ कभी सच नहीं बन सकता। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। चलो चलते हैं। वैवे, खायांगन पैलेस आओ। खायांगन पैलेस? ये कौन सी जगह है? हाँ, इस पर स्विंग चेन से अटैक हुआ है क्या? मैंने ही इसे बांधा है। अब तुम अपने सबसे कमजोर वेपन से इसे सबक सिखाओ। ये शाओ नाय है, मैंने बस इतना ही कहा था कि तुमने किसी की एक्स वाइफ से शादी की। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया हो तो मुझे मार दो ना। हाँ, वो तुम हो। अब याद आया मुझे। मैं ही हूँ। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। तुम रुको बस। अच्छा हुआ मैंने ये चाकू अभी तक नहीं फेंका था। ये क्या है, बिगिनर लेवल? अरे नहीं, मेरे पास 1000 लाइफ पॉइंट्स है, मुझे मारने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। चिंता मत करो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने इसका ऑटो मोड एक्टिवेट किया है ताकि मेरे हाथों में दर्द ना हो। मैं मानता हूँ मैंने ज्यादा बोल दिया। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, पर प्लीज जल्दी करो, मुझे इस तरह टॉर्चर मत करो। चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। जब तुम्हारे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तब मैं तुम्हें ठीक करूंगा। नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ए, इसका मतलब बोडाव शिष्य मरने से नहीं डरता? ये तो ऑफलाइन भी नहीं हो रहा, हम इसे मार क्यों नहीं देते? वो चेन मिशन पर है। चेन मिशन जिसमें तुमने लॉग आउट किया था और मर गए थे। तुम तो कमाल के हो। शुक्रिया, पर तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। मैं भी अपना पेपर कंप्लीट कर लेती हूँ।
वेवे, तुम सोई नहीं हो क्या अब तक? मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रही थी, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? हाँ, ये तो शायू उसकी फैमिली से है, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे ये तो यशव नाहे है और वो लड़की भी है। हाँ मुदाओ शिशु, तुम इसे जानती हो? हाँ इसने मिशन में मेरी मदद की थी। हमारी मदद चाहिए? हाँ, तुम इसे जानती हो? हम बात करेंगे, इस तरह वो किसी को टॉर्चर कैसे कर सकते हैं? इसके पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं। सुनो यशव नाहे, तुम नंबर वन प्लेयर होकर भी छोटे प्लेयर्स के साथ बुरा बर्ताव करते हो और अपने आप को योद्धा कहते हो, सच में ये कोई तरीका है? तुम हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये हमारे आपस का मामला है, तुम लोग कहीं जा रहे थे, प्लीज अपने रास्ते जाओ। तुम इस तरह किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक खेल है। अगर मरना नहीं चाहती तो इसी वक्त चली जाओ।只有我们知道。